दबंगों ने बंदूक की नोक पर किया जमीन पर जबरन कब्जा। प्रीतने की शिकायत तो मिली जान माल की धमकी। मल्लावा हरदोई जो कि क्षेत्र राघोपुर के गांव भगतपुरवा मजरा राघोपुर में श्री कृष्ण राजाराम पुत्रगण ठाकुर प्रसाद ने अपने सगे भाई महेश पाल विष्णु पाल की शामिलात भूमि दरी नंबर पर बाउल बाउंड्री का निर्माण करा रहे, जिसकी शिकायत चौकी राघोपुर से लेकर तहसील प्रशासन एक चकबंदी ऑफिस तक की गई, परंतु पीड़ित महेश विष्णु पाल को न्याय नहीं मिला। वहीं पीड़ित ने चौकी इंचार्ज राघोपुर से आप बीती सुनाई। 920 जमीन पर आधा हक पीड़िता का है, लेकिन दबंगों ने पूरी जमीन को बाल बाउंड्री कर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित की बात को चौकी इंचार्ज ने नजरअंदाज करके विपक्ष की मदद करना शुरू की। वहीं पीड़ित ने चौकी इंचार्ज राघोपुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के समेत जान हत्या करने पर विवश हो जाऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी चौकी इंचार्ज एवं प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। वहीं उप जिलाधिकारी सीओ बिलग्राम द्वारा बराबर न्याय उचित कार्रवाई करते हुए भी दबंगों ने रातों दिन अपना कार्य बंद नहीं किया। कहीं ना कहीं सवाल प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर उठाया जाना लाजमी है। अब देखना यह है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट, अजय कुमार। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? भगतपुरवा। क्या समस्या है? भाई लोग जबरदस्ती मकान बना रहे हैं। भाइयों का नाम क्या है? भाइयों का नाम श्री कृष्ण राजाराम। ये तुम्हारी शामिल है जमीन है क्या? गांधी बैनामा की जमीन सर है। भूमदरी है? जी भूमदरी। तुम्हारा कौथा हिस्सा है? चौथा। चौथा। कितने भाई हो तुम? चार भाई। और तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ है? उनके साथ है? हमारे साथ। तो ये जबरदस्ती बना रहे हैं क्या? हाँ सर, जबरदस्ती बना रहे। शिकायत कहाँ कहाँ किए हो? शिकायत न्याय साहब को प्रार्थना पत्र दिया चकबंदी में। हाँ। उसके बाद सीओ साहब को भी दिया। दो बार कोतवाली भी अभिग्रहण दिया। कौन कोतवाली? मल्लावा। अच्छा। और विधायक जी के पास भी उन्होंने भी लिखा, उसके लिए सुनवाई नहीं हुई। हरदोई गया, जिलाधिकारी को भी फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। निर्माण कार्य हो रहा है? निर्माण कार्य। तुम्हारा हिस्सा भी दब गया उसमें? हाँ। छोड़ नहीं रहे हैं? नहीं। चौकी इंचार्ज राघोपुर से मिले? हाँ मिले, लेकिन वो कह रहा था काम होगा, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। काम होगा, रोक नहीं पाएगा। क्या चौकी इंचार्ज मिला हुआ है क्या विपक्षियों से? मिला हुआ जरूर है, जब बार बार कहता है नहीं काम, मतलब नहीं हो रहा, काम हो रहा है। काम होता रहता है, चौकी इंचार्ज कह रहा काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, लड़के ने जब कहा है तो कह रहे काम तो होगा। अच्छा अच्छा। क्या करोगे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो? क्या करोगे फिर? न्याय नहीं मिलेगा तो जल जाएंगे। हैं? कैसे परिवार को चलाएंगे? क्या करोगे? जो मरेंगे क्या करेंगे? जब निर्णय नहीं मिल रहा अदालत से तो फिर क्या है हमारा? जब तो पाते नहीं, वो मारने के जान माल की धमकी देते हैं। लोग धमकी देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।